का पीछा किया और वो आदमी मॉम से पैसे ले रहा होगा। सिंपू, हमें मॉम को तुरंत रोकना होगा। ये ट्रैफिक भी अभी लगना था। सिंपू, कुछ करना होगा। मॉम, वो आदमी कहाँ गया? कौन सा आदमी? वही जिसे आपने पैसे दिए। तुम्हें कैसे पता चला? मॉम, वो आदमी फ्रॉड है। तुम अभी बच्चे हो, तुम्हें कुछ नहीं पता। मुझे वर्ल्ड टूर का बम्पर ड्रॉ लगा है और बस 2-4 दिन में हम लोग जाएंगे स्विट्जरलैंड। हुर्रे! मॉम, आप क्या कर रही हो? हम लोग कहीं जा रहे हैं क्या? मेरी लॉटरी लगी है, अभी से तैयारी कर रही हूँ स्विट्जरलैंड जाने की। सिंपू, मैं मॉम को कैसे समझाऊं कि वो एक फ्रॉड है? हमें कमिश्नर अंकल से बात करनी चाहिए। ये तो बहुत बुरा हुआ, तुमने गलत आदमी का पीछा किया। हाँ, और अब मुझे इस बात का डर है कि कहीं वो फ्रॉड फिर से मॉम से पैसे ना मांगे, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि हम कमिश्नर अंकल से इस बारे में बात करें। ठीक है, डैडी से बात करने से पहले मैं इंटरनेट पर इस गैंग के बारे में सर्च करती हूँ। ये देखो चिंपू, ये गैंग भोले भाले लोगों को लॉटरी का लालच देकर इनसे पैसे लूटता है। ऐसे कई लोग हैं जो इनके जंगल में फंस चुके हैं। मुझे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना ही होगा। ओहो, मेरे इलाके में चोरों की इतनी हिम्मत है कि ये सरेआम पैसे लूट रहे हैं और मेरे होते हुए ऐसा नहीं होगा। और मैं उन लोगों को ना उल्टा लटका के ना नीचे मिर्ची जलवा दूंगा। पकड़ 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 पकड़। पापा, पहले उन्हें पकड़ना होगा। उन्हें क्या सजा देनी है ये तो आप बाद में भी डिसाइड कर सकते हैं ना। जब तक हम लोग ये ना सोच लें कि उन्हें क्या सजा मिलनी चाहिए, तब तक कानून अपना काम कैसे करेगा। प्यारे और पांडू, और तुम लोग चिंपू के घर का फोन टैप करो और देखो कि वो फोन कहाँ से आ रहा है। पर साहेब, अगर हम लोग फोन पर टेप लगा देंगे तो फोन बोलेगा कैसे? ओ बेवकूफ है, ओ फोन टैप करो मतलब फोन रिकॉर्ड करो। हाय। थैंक यू अंकल, हमें उसे जल्दी ही पकड़ना होगा। हेलो, हाँ जी, हाँ जी, हाँ, क्या और पैसे लगेंगे? लेकिन अभी तो मैंने 50,000 दिए थे। क्या, डॉलर का रेट कम हो गया इसलिए वीजा का दाम बढ़ गया है? अच्छा ठीक है, मैं 50,000 रुपए और लेकर आती हूँ। अच्छा ठीक है, समझ गई। ये आदमी तो सच में बहुत लालची है, बार बार पैसे मांग रहा है। लेकिन अच्छा है, इसका लालच ही इसे जेल में भिजवाएगा। पापा ने बताया कि तुम्हारी मॉम के फोन पर जो कॉल आ रही थी वो इंटरनेट से की जा रही है। ये लोग बहुत ही चालाक लोग हैं। लेकिन हमसे ज्यादा चालाक नहीं है। मॉम फिर से पैसे लेकर जा रही है, तुम मेरे सिग्नल का वेट करना। जैसा तुमने कहा था, मेरे पापा ने ये नकली नोट दिए हैं, जिसे तुम्हें अपनी मॉम के असली नोट से एक्सचेंज करना है। इन नोटों के जरिए हम उन तक पहुँच सकते हैं। सिंपू, अब की बार कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। चलो। सिंपू, तुम उधर नजर रखो और मैं इधर। लगता है यही आदमी है। उस पैकेज में रखे माइक से हम सारी बातें सुन पाएंगे। आप चिंता मत करो मैडम, आपके टिकट और वीजा कल तक मिल जाएंगे। आओ, फिर तो आप स्विट्जरलैंड, यूरोप, अमेरिका, दुबई, ऑस्ट्रेलिया घूमेंगे। आओ आओ। अरे भाई साहब, आपके मुंह में घी शक्कर। मैं स्विट्जरलैंड से चॉकलेट ले आऊंगी और आपका मुंह मीठा कराऊंगी। बस अब आप जल्दी से टिकट और वीजा कल दे दीजिएगा। मुझे टिकट और वीजा मेरी नेबर मिसेस शर्मा को भी तो दिखाना है। मेरे पैसे भी आप दे दीजिए ताकि मैं उनसे शॉपिंग कर सकूं।
हाँ हाँ बिल्कुल, लेकिन ये बताइए कि आपको पैसे कैश में चाहिए या फिर चेक चलेगा? आप चेक ही दे दीजिए। आओ। अरे तो चेक आप अभी ले लीजिए। थैंक यू सो मच भाई साहब। भगवान आपको लंबी उम्र दे। इस फ्रॉड वॉल टूर ऑर्गेनाइजर को तो मैं पुलिस स्टेशन की टूर करवाऊंगा। सिंपू जल्दी चलो, हमारा टारगेट निकल रहा है। दिया, मेरी लोकेशन पर नजर रखना, मैं उस कार का पीछा कर रहा हूँ। तुम टेंशन मत लो, मैंने पापा को इन्फॉर्म कर दिया है। वो लोग उस फेक करेंसी के पैकेट में छिपे हुए माइक्रोफोन से उस आदमी पर नजर रखे हुए हैं। इस शहर में हम और नहीं रुक सकते। मैंने वो चेक उस औरत को दे दिया है, वो जल्दी पुलिस के पास चली जाएगी। आओ आओ। लेकिन बॉस, हमने अब तक करीब 25 लोगों को जो उल्लू बना के 20 लाख जमा किए हैं, उनसे हम क्या करेंगे? करना क्या है, आओ हम उन पैसों से दुनिया की सैर करेंगे, समझा क्या? हाँ, बहुत मजा आएगा। अच्छा तो ये लोग हमारे पैसों से वर्ल्ड टूर करना चाहते हैं। बहुत हो चुका हंसी मजाक, अब चुपचाप अपने आप को मेरे हवाले कर दो। कौन हो तुम? मैं CBI ऑफिसर हूँ। तुम लोगों का खेल खत्म हो चुका है, तुम्हारे पास जो नोट है वो नकली है। ओहो, लेकिन ये कैसे हुआ? आओ। तुम्हें क्या लगा सिर्फ तुम ही लोगों को उल्लू बना सकते हो? मत भूलो हमारे पास तुमसे ज्यादा दिमाग है। अब चुपचाप सारे पैसे मेरे हवाले कर दो। ये। अच्छा तो तुम CBI ऑफिसर हो, पकड़ लो इसे। आओ, ये नकली दाढ़ी लगा के आया है। CBI ऑफिसर, आओ आज हम तुम्हें बताएंगे हमसे पंगा लेने का अंजाम। आओ आओ, अब मजा आएगा क्योंकि हम लोग ये पैसे लेकर चले जाएंगे और पुलिस तुम्हें पकड़ेगी। आओ आओ। वो रहा फ्रॉड गैंग। हाय बेटा, मेरे पैसे। उस आदमी ने मुझे नकली चेक दिया। तूने सही कहा था कि वो आदमी फ्रॉड है। काश मैंने तेरी बात मान ली होती बेटा। कोई बात नहीं मॉम, आपको सच्चाई पता चल गई, यही आपका इनाम है। और सिर्फ इतना ही नहीं, आपको 10 लाख रुपए भी मिलेंगे। हाँ जी, और उन पैसों से आप जाओगी स्विट्जरलैंड। लेकिन 10 लाख किस बात के? अब बेटा, तुमने जैसी होशियारी से ना अपनी मॉम के असली पैसे बदल कर उसकी जगह नकली नोट रख दिए जिसमें माइक लगा था, उसी के सहारे हम उन लोगों को पकड़ सके। उन लोगों पर ना पूरे देश में फ्रॉड का मामला है, उन पर 10 लाख का इनाम है।
और ये इनाम आंटी को मिलेगा। हुर्रे! End of crime is selfie time.